प्रदेश में लगातार बढ़ते तापमान को देखते हुए अब शासन ने भी कमर कस ली है। प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में 30 बेड का एक अत्याधुनिक हीट स्ट्रोक वार्ड बनाया गया है। यह वार्ड पूरी तरह से सेंट्रल एयर कंडीशन है और हीट वेव से निपटने के लिए सभी आवश्यक तैयारी पूरी कर ली गई है। वार्ड में 24 घंटे डॉक्टर और नर्स तैनात हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। हीट स्ट्रोक से पीड़ित मरीजों को भर्ती किया जा रहा है। शासन से मिले निर्देश को देखते हुए मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर वत्सला मिश्रा का कहना है कि SRN हॉस्पिटल में 30 बेड का एक स्पेशल हीट स्ट्रोक वार्ड शुरू हो गया है और अगर जरूरत पड़ी तो और व्यवस्था की जाएगी। यही नहीं, लगातार बढ़ती गर्मी को देखते हुए पूरे SRN हॉस्पिटल के सभी वार्ड के पंखे, कूलर और AC को ठीक करा दिया गया है ताकि अन्य वार्डों में भर्ती मरीजों को भी आने वाली भीषण गर्मी से परेशानी ना हो। इसी के साथ हॉस्पिटल कैंपस में सभी वाटर कूलर, हैंड पंपों को भी दुरुस्त करा दिया गया है ताकि इस भीषण गर्मी में समुचित पेयजल सुचारू रूप से उपलब्ध रहे। SRN में पूरा एक 30 बेड का वार्ड जो है उसको मार्क कर दिया गया है हीट स्ट्रोक वार्ड की तरह से, जिसमें समस्त सुविधाएं उपलब्ध हैं और बाकी सभी वार्डों में पंखे, कूलर इत्यादि जहाँ जरूरत है नए भी लगवा दिए गए हैं। सबको चालू हालत में चेक कर लिया गया है कि वो बराबर चलते रहें। जगह जगह वाटर कूलर भी लगवा दिए गए हैं, जहाँ ज़रूरत थी उनकी मरम्मत इत्यादि करवा दी गई है कि मरीजों को कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये 30 बेड हमारे पास रहेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी, मरीजों की संख्या बढ़ी तो उस स्थिति में अन्य वार्डों को चिन्हित करके बेड की संख्या बढ़ाई जाएगी। ज्ञात हो कि अभी अप्रैल महीने का मध्य ही है और प्रयागराज का तापमान 40 डिग्री दर्ज होने लगा है। मौसम विभाग की माने तो इस वर्ष गर्मी का प्रकोप कुछ ज्यादा ही रहने वाला है, लिहाजा पहले से ही स्वास्थ्य महकमा ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है।